दोस्तों, लेट मी प्ले दिस वीडियो। लेट अस हैव अ लुक। पहले हम टाइप्स देख लेते हैं। फिर दो ही टाइप्स है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आपको पता है अप स्केल एंड डाउन स्केल। ओके, दिस इज जस्ट अ रिविजन। ये हम यू नो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स की नीड मीट करने के लिए। डेफिनेटली स्टूडेंट, पूरे मार्केटिंग की अगर मैं आपको बात करूं, क्यों ये कंसेप्ट है टू मीट द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ओके, यस, यूनिकनेस। जैसे मर्सिडीज यूनिक है, बिग बाजार यूनिक है, यस और नो? ओके, कैपिटलाइज ऑन प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब क्या स्टूडेंट्स, आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को यू नो इन ऑर्डर टू टारगेट मोर एंड मोर कस्टमर्स। ओके, तो उसमें वही चीज की बात हो रही है। थोड़ा हटके करो, बट इफ वी आर गेटिंग मोर मार्केट देन व्हाई नॉट। ओके, मतलब दिस इज, ये आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है क्या उन्होंने कहा है कि यू नो मोस्टली प्रोडक्ट फुल लाइन ऑल, मतलब दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। ओके, कि या तो यू नो हम नए टाइप के प्रोडक्ट लेके आते हैं, सेम रेंज, ज्यादा रेंज, या तो अदरवाइज व्हाट दे आर सिंपली डूइंग इज यू नो नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लाइक जस्ट लाइक इन हॉरिजॉन्टल। ओके, स्टूडेंट्स, मैं आपको नाइका का एग्जाम्पल दे रही थी। इवन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ आई वुड से यू नो हॉरिजॉन्टल। आप लोग देखो, ये सब कॉस्मेटिक के ही प्रोडक्ट्स है। लेट अस सी दिस वीडियो। बट आप लोग देखो, नेल पॉलिश इज डिफरेंट, लिपस्टिक्स आर डिफरेंट, शीट मास्क आर डिफरेंट, परफ्यूम, सोप, ये सब अलग है। परफ्यूम्स एंड बॉडी वॉश इट फॉर बोथ मेन एंड फीमेल, ये और नो कोई भी यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या, आप लोग खुद आपके ओन वर्ड में भी सोचो। ओके, स्टूडेंट्स, ये चीज भी काफी आसान है। कस्टमर्स कब प्रोडक्ट बाय करते हैं तुम्हारे, व्हेन दे फील द प्राइस इज वर्थ इट, यस और नो? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि कई बार अगर मैं एक नॉर्मल पेन, आप लोग को ये भी पता होगा स्टूडेंट, मैं आपको लिंक पेन का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लिंक विच यू यूज एवरी डे। वो देखो एक काम, उनकी जो पेन होती है, दे आर टारगेटिंग स्टूडेंट्स ओनली मोस्टली। ओके, स्पेशली फॉर एग्जाम्स आप वो लिखते हो। तो कल अगर वो पार्कर पेन जैसा सोच रहे कि मैं 400-500 का प्रोडक्ट बनाऊंगा, दैट इज आइडियली नॉट देयर स्पेशलाइजेशन, उनकी वो कैटेगरी है ही नहीं। एग्जिस्टिंग कॉन्फिडेंस दे ट्राई, कि यू नो करंटली हमारा जो ब्रांड नेम है वो हम नए प्रोडक्ट को भी हम वो यूज कर सके। ओके, डेफिनेटली कस्टमर्स को अगर आपका अच्छा इमेज होगा, मैंने आपको कहा मर्सिडीज का फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ की कार है, अगर इफ दे आर कमिंग अप विथ यू नो अ न्यू कंसेप्ट लाइक 30-40 लाख की कार, तो डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू बाई इट, उन्हें मर्सिडीज का ब्रांड नेम मिल रहा है, यस और नो? ये सब अब तक हमने देखा वो एडवांटेज है। नाउ कमिंग टू डिसएडवांटेज, कि कई बार यू नो स्टूडेंट्स हमारी बाजी उल्टी भी हो सकती है। ओके, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सी स्टूडेंट्स, कोर ब्रांड की आइडेंटिटी डाइल्यूट हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार यू नो अगर मर्सिडीज का कोई 1 लाख खरीदने वाला है, व्हाट ही मोस्ट थिंग इज, अरे यू नो 1 करोड़, सॉरी आई मीन
1 करोड़ की कार वाले अब 30-40 लाख की भी कार लेके आए, इसका क्या मीनिंग है कि इनकी क्वालिटी खराब हो रही है। तो सी डिस्करेज इनोवेशन, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट का जब हम कई बार नया प्रोडक्ट नहीं बनाते, R&D से फोकस हमारा हट जाता है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके सी स्टूडेंट्स, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सटेंशन आर नॉट सक्सेसफुल एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, ये चीज सही है। ओके कैनिबलाइजेशन, डू यू रिमेम्बर कैनिबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? कई बार ऐसा भी हो सकता है प्रोडक्ट एक जैसा हो जाए, ओके, एंड अल्टीमेटली उतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें ना मिलेगा। स्पिल ओवर इफेक्ट, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट? ओरिजिनल ब्रांड नेम को अफेक्ट होना, स्पिल ओवर। ओके स्पिल का मीनिंग क्या है? कोई चीज अगर हम दूध या कुछ गिरा देते हैं ना, दैट इज नोन एज स्पिलिंग। ओके मैं आपको ब्रांड इक्विटी पे एक छोटा वीडियो दिखा देती हूँ, मीनिंग वी विल कवर अप द नेक्स्ट टाइम। ओके ये तो आप आई मीन यू नो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग इसको याद रखना, ब्रांड इक्विटी। ओके लेट अस सी दिस वीडियो, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर याद रखना स्टूडेंट, तभी हमारा ये थर्ड यूनिट हो जाएगा। ओके मैं आपको उस पर PPT दिखा दूंगी। सो वाओ दिस इज एन एनिमेशन, गुड। यू नो स्टूडेंट ब्रांड इक्विटी आप याद रखना, दिस इज अ वेरी फाइनेंशियल टर्म। ओके मतलब पैसों रिलेटेड है। सी स्टूडेंट्स ये पूरा कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू मनी, मतलब हम ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। ओके कैंपबेल का भी एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है स्टूडेंट्स। ओके आई मीन इट इज नोन फॉर इट्स सूप, तो उसमें वही कहा है यू नो कस्टमर ऑलरेडी आर पॉजिटिवली कनेक्टेड विद द ब्रांड। ओके सो आई मीन रादर देन नया ब्रांड लॉन्च करने की जगह तुम सेम यूज करो का नाम, तो ये सब फीचर ये सब पॉइंट्स आपको पता है। परसीव्ड क्वालिटी का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? द वे अ कस्टमर लुक्स एट समथिंग, जैसे कैसे मर्सिडीज की बात आ जाती है तो एवरीवन नोज, सबको विश्वास है कि वो इट इज गुड क्वालिटी। ओके मार्केटिंग कैंपेन्स करो, इक्विटी मतलब यू नो कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड की वैल्यू। ओके फाइन आई होप, और एक छोटा वीडियो दिखा देती हूँ, आफ्टर दैट आई विल कम टू योर यूट्यूब। लेट अस टेक दिस वीडियो, ओके मैं फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ। सी स्टूडेंट्स व्हाट कंज्यूमर थिंक एंड फील अबाउट द ब्रांड, वो लोग क्या इसकी वैल्यू तोलते हैं उसके बारे में बताएं। ठीक है मतलब हम लोग देखो मर्सिडीज की बात करें, जैगुआर की बात करें, लग्जरी कार, हम लोग तुरंत उनकी यू नो व्हेन इट कम्स टू मनी एसोसिएट कर देते हैं, यस और नो। ओके यहाँ पे क्या कहा है, इनका गोल क्या है कि ये गैप फिल करे, लाइक फॉर एग्जांपल इफ कस्टमर इज नॉट हैविंग अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द ब्रांड, तो क्या हम मार्केटिंग एफर्ट्स करें टू मेक श्योर कि वो इमेज पॉजिटिव हो जाए। ओके ओवरऑल एसोसिएशन कैटेगरी, कई बार हम कैटेगरी से भी डिफरेंशिएट करते हैं, यस और नो। ओके
द नेक्स्ट वन इज आई वुड से मार्केटिंग एफर्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. मार्केटिंग मेक्स मतलब 4 P's. ओके ठीक है, तो ये सब ठीक है. मेन थिंग मैं आपको समझाना चाहती थी वो हो गया है. लेट मी कम टू योर जूम मीटिंग. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया है स्टूडेंट्स. एनी वन इज हैविंग एनी क्वेरी? अच्छा स्टूडेंट्स, ओके. इफ यू आर नॉट एबल टू सी द वीडियो, ये कुछ लेक्चर्स में दिखता है कुछ में नहीं दिखता है, तो मैं आपको वही बोलना चाह रही थी, रिकॉर्डिंग में दिस विल डेफिनेटली शो.